वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा। आइए जानते हैं आज तुला के वार्षिक राशि फल के बारे में कि तुला का वार्षिक राशि फल 2021 कैसा बीतेगा, यह वर्ष कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, व्यक्तिगत जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसी रहेंगी, भावनाएं कैसा रहेगा, यात्रा कैसा रहेगा, भाग्य कैसा होगा, आपका प्रेम और विवाह और कैसा रहेगा व्यापार। तो आइए जानते हैं इन शबों के बारे में। आज दिनांक 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार, आज अष्टमी तिथि होगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तुला राशि वालों का नाम का अक्षर आरंभ होता है रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू और ते। इन अक्षरों से तुला राशि वालों का नाम आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं तुला के वार्षिक राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 आपको जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे और बढ़िया परिणाम भी मिलेंगे। तो कुछ स्थानों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तुला राशि के जातकों को इस वर्ष 2021 में अपने स्वास्थ्य पर काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि जराशी भी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। परिजनों के बिछोह का दर्द आपको सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार और कुछ आवश्यक कार्यों के लिए आपको परिवार से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। उन्हें आपकी कमी खलेगी। आर्थिक मोर्चे पर यह वर्ष सामान्य रहेगा। यदा कदा आपको कुछ जबरदस्त लाभ की प्राप्ति मिलेगी, लेकिन आमतौर पर सामान्य फल ही प्राप्त होंगे। कुछ नए रिश्ते इस वर्ष जुड़ सकते हैं। आपके मित्र और रिश्तेदार आपके सुखों का कारण बनेंगे। आपकी भलाई के कामों में वह आपको कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे। साथ 2021 में आपकी बेवजह की और अनचाही यात्राएं ज्यादा हो सकती है, जिनकी वजह से आप मानसिक तौर पर परेशानी महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका बोझ पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि यात्रा पर जाना आवश्यक ही हो तो भी पूरी तैयारी के साथ ही जाए। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली का चौथा और दसवां भाव ज्यादा प्रभावित रहेगा, जिसकी वजह से आपको पारिवारिक जीवन और आपके पेशेवर जीवन के बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक होगा। नहीं तो स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है और आपको दोनों ही क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पर मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन आप तुला राशि के जातक होने के कारण जीवन में सामंजस्य और तालमेल बैठाना बखूबी जानते हैं। 2021 आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इन विशेष परिस्थितियों में आपको उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। यह स्थिति मानसिक तौर पर भी आपको चिंता देने वाली होगी। आर्थिक तौर पर भी आपको इनके नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और आवश्यक होने पर परिवार के किसी बुजुर्ग से सलाह भी लें, ताकि आपको सही तरह से कार्य करने में आसानी हो। प्रेम के दृष्टिकोण से देखने के लिए आपको तुला राशि जातकों के लिए 2021 सामान्य ही रहेगा, लेकिन इस वर्ष आपके लिए यह सुविधा जरूर होगी कि आप अपने प्रिय अपने परिजनों को मिलवा पाएंगे। इस साल एक दूसरे के प्रति समझ विकसित होगी, लेकिन किसी आवश्यक कार्यों के चलते आप और आपके प्रिय के बीच कुछ समय के लिए दूरी आ सकती है। इस बीच अपनी दूरी को जाहिर ना होने दें और किसी न किसी प्रकार समय निकाल के मुलाकात करते रहे। अपने रिश्ते को जीवंत बनाए रखने के लिए वार्तालाप अर्थात कम्युनिकेशन चालू रखें। प्रेम जीवन के लिए 2021 का मध्य भाग बहुत अच्छा रहेगा और वर्ष के अंतिम महीने में आपको प्रेम विवाह के बंधन में बंधने का मौका भी मिल सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस वर्ष तुला राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। 2021 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। जीवन साथी आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा और जीवन में आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आर्थिक स्थिति पर ध्यान डालें तो हम देखते हैं कि तुला राशि के लिए 2021 में वित्त प्रबंधन सामान्य से अच्छा रहेगा। शुरुआत आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगी और बेवजह ही आप धन को लेकर चिंतित रहेंगे। आपको यह भय रहेगा कि कहीं आपका धन कोई चोर न चुरा ले जाए, आपका कोई धन हड़प ना ले। बेवजह का डर आपको परेशान करके रखेगा, लेकिन अप्रैल से मई महीने के बीच आपको कोई जबरदस्त लाभ होने से अच्छा योग बनेंगे और यह लाभ आपकी सभी समस्याओं की पूर्ति कर देगा। तुला राशि के लिए अगस्त 2021 में भी सरकार से कोई धन लाभ हो सकता है। आपके खर्चे कम रहेंगे, लेकिन यात्राओं के कारण आपको लगातार अपने धन का व्यय करना पड़ेगा।
वर्ष के बीच समय आर्थिक तौर पर धन प्राप्ति का समय रहेगा और इस समय में आपको उचित रूप से धन और वैभव की प्राप्ति होगी। वर्ष के अंतिम महीने थोड़े नाजुक से रहेंगे। तुला राशि के नौकरी पेशे जातकों के लिए 2021 का यह वर्ष शुभ फलदायक साबित होगा। आपको नौकरी में खूब अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपका मन काम में लगेगा, इससे आप अपने ही काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप स्वयं से प्रतियोगिता करेंगे और जो आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके ना केवल आपको प्रशंसा मिलेगी बल्कि आपके पद भार में भी बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2021 के बीच तुला राशि के जातकों की नौकरी पेशा में पदोन्नति होने के कारण योग बनेंगे। जनवरी का महीना इस मामले में अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, अपने साझेदार से अपने सभी राज ना खोले, नहीं तो वे उसका दुरुपयोग करते हुए आपका नुकसान पहुंचा सकता है। व्यापार के नजरिए से 2021 का मध्य भाग अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा और अंतिम भाग भी सामान्य तौर पर फलदायक साबित होगा। वर्ष के मध्य में प्रॉपर्टी के माध्यम से धन प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। संभावना है इस समय में आपको कोई चल अथवा अचल संपत्ति भी हासिल हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए 2021 का यह वर्ष पढ़ाई को लेकर विशेष नहीं कहा जा सकता। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। इस स्थिति में आपको अपनी मेहनत पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उनके अनुसार ही आपको नतीजे प्राप्त होंगे। शिक्षा के मामले में कुछ व्यवधान आने की आशंका दिखाई देती है, इसलिए अपनी तैयारी को पक्का रखें। तुला राशि के जातक वर्ष 2021 के मध्य में पढ़ाई के सिलसिले में कुछ नया जानने और सीखने की कोशिश करेंगे तथा वर्ष के अंतिम महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा और उनके अधिक प्रयास करने के बाद आंशिक रूप से ही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें अप्रैल से जून के मध्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे और मनपसंद कॉलेज में दाखिला मिलने का प्रबल योग बन रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समान रहेगा। साल की शुरुआत जरूर कुछ कमजोर रहेगी। आपको अपने भोजन और अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल भी बासी और गरिष्ठ भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह वर्ष आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा दे सकता है। आपको अधिक सर्दी और ठंडे गर्म से बचना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों में सांस अथवा ठंड लगने की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। आपके मन में अपनी सेहत को लेकर एक अनजाना भय बना रहेगा जो आपको बीच बीच में परेशान करता रहेगा, लेकिन आप इन सबसे बाहर निकल कर आगे की सोचना चाहिए। भरपूर व्यायाम करें और ध्यान का सहारा लें ताकि आप स्वयं को स्वस्थ रख सके, क्योंकि एक स्वास्थ्य शरीर ही आप पर चुनौती का सामना कर सकता है। अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, प्रभु का भजन कीर्तन करते रहे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।